हाय कैसे हैं आप लोग सो वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज है फर्स्ट में और आज फिर शाम को फिर से पता लगा यार कि मोदी जी ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है टू वीक्स के लिए सो मतलब ये लॉकडाउन तो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है सीजन वन सीजन टू सीजन थ्री आ गया अब तो मतलब सीजन टू कंप्लीट होने से पहले पता लग गया कि सीजन थ्री भी आएगा इसका बट ठीक है कुछ सोच के देश की भलाई के लिए किया गया सो ठीक है अब जैसे इतने दिन काट लिए वैसे और काट लेंगे अब तो मतलब मन नहीं लग रहा घर में सोच रहे कितने टाइम हो गए बाहर नहीं निकले और लेकिन ठीक है घर में रहे सेफ रहे वो ज्यादा जरूरी है तो मैंने एक पदर डाला था जिसका किसी ने आंसर नहीं दिया आई थिंक बहुत ज्यादा टफ हो गया था सो so, मैं आज से थोड़ा सिंपल इजी डालूंगी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं काफी इजी डालू ताकि लोग एटलीस्ट आंसर तो दे एटलिस्ट ट्राई तो करें आई थिंक बहुत ही ज्यादा टफ हो गया तो so, उसका आंसर ये था ना कि वो सारा कैलकुलेशन जो था वो उसके स्पेलिंग के लेटर्स uh, पे था जितने लेटर्स उतना वो इक्वल टू काउंटिंग था लाइक नाइन इक्वल टू फोर बिकॉज नाइन में एन आई एन ई है तो वो फोर लेटर्स है तो उस तरह फोर था तो उसका आंसर सिक्सटीन का जो है उसमें सेवन लेटर्स है और सेवनटीन में नाइन लेटर्स है तो वो सेवन एंड नाइन आंसर था सुबह सुबह देखिए अभी योगा चल रहा है अयांश का और उसके पापा का योगा पूरा कॉपी करने की कोशिश करता है जो जो ये करते हैं अभी वाला गुड आज आज ब्रेकफास्ट में हम लोग ने बनाया था ऑरेंज जूस जिसमें मैंने ग्रेप्स भी डाला था तीन ऑरेंज में मैंने आठ दस पीस ग्रेप्स भी कर दिया था उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर हो जाता है ऑरेंज जूस का फिर हम लोग आगे तो आज जो वेजिटेरियन है वो स्किप कर सकते हैं ये वाला पार्ट सो आज मैंने अंडा भुर्जी और पाव बनाया था वो जो बॉम्बे वाला फेमस वो भुर्जी पाव होता है वो वाला बनाया था सो so, मैं काफ़ी सारी सब्जियां वगैरह डाल के और ऐसे बनाती हूँ तो पहले मैंने अयांज के लिए बनाया क्योंकि अयांज बिना मिर्च का खाता है तो अंज का बस थोड़ा सा प्याज टमाटर डाल के एक अंडा डाल के एंड हल्दी नमक बस इतना डाल के उसका वो बनाते हैं और एक पाव डाल के उसी के जो हल्का सा जो ऑयल मसाला वो लगा होता है उसी में सेक देते हैं पाव उसी कढ़ाई में उसके बाद जब हम लोग जो प्याज को दे दिए और उसके बाद जो हम लोग खाते हैं जो तो उसमें मैंने प्याज टमाटर मिर्चा और शिमला मिर्च और अदरक लहसन सब डाला था उसके बाद मसाले मैंने डाला था जीरा जीरा पाउडर गरम मसाला धनिया पाउडर और हल्दी नमक ये सारा मैंने डाला था तो और अगर गरम मसाला ना हो तो मैगी मसाला भी डाल सकते हैं मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा मैगी मसाला दोनों करके डाला था और पाव सेक के और बस साथ में ये दिया था और बहुत ज़्यादा सब्ज़ी गलाते नहीं जैस थोड़ा सा पक जाए उसके बाद बस अंडा मैंने दो फोड़ के डाले और बस हो गया और हम लोग सब्ज़ियाँ ज़्यादा डालते हैं ताकि क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना तो अभी खाना ठीक नहीं रहता तो सब्ज़ी ज़्यादा डाल लो तो अच्छा रहता है कि अंडा कम खाए और मन भी जो था खाने का वो भी हो गया सो बस ये देखिए भूज के तैयार हो गया और लास्ट में हम लोग सर्व करने से पहले बटर डाल दे तो उसका टेस्ट और भी मस्त हो जाता है तो ये है अपना भुर्जी पाव और अब देखिए इनके कलाकारी ये वाटरमेलन काट रहे हैं और इनको मतलब ये जो वाटरमेलन का छिलका होता है उसके साथ खाने में बहुत मज़ा आता है ये छिलका हटा के नहीं काटते इनको मतलब डायरेक्ट वैसे छिलके के साथ काट के और वो जो देसी तरीका होता है वाटरमेलन खाने का जो प्योर तरीका होता है वैसे खाने में मज़ा आता है तो ये बोले कि मैं खुद ही काटूँगा और ऐसे ये काट वाट के अपना कर रहा हैं शाम को हम लोग मोस्टली हेल्दी कुछ लेते हैं तो बस यही है इसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह आयरन करने लगी थी तो थोड़े से कपड़े आयरन किए घर का काम कुछ ना कुछ तो रहता ही है काम कहाँ ख़त्म होता है कुछ ना कुछ काम करते रहो करते रहो बस और एक काम ख़त्म होता है नया याद आ जाता है कि अब ये भी करना है वो भी करना है तो कुछ ना कुछ तो काम रहता ही सारे हा, हा। हाउस वाइफ्स को कुछ ना कुछ काम रहता ही है चाहे हाउस वाइफ ना भी रहें और जो जॉब करते हैं उनके पास भी तो काम रहता ही है तो बस मैं कपड़े वगैरह आयरन की अयांज का ये टीवी में पोएम चल रहा था जो ऑलमोस्ट चलता ही रहता है शाम को क्योंकि वो मोबाइल मांगता है तो मोबाइल देने से अच्छा है कि उसका टीवी में चला दूँ तो नेट लगा के टी में उसके पोएम्स चला देते हैं तो वो मस्त अपना पोएम सुनता रहता है कभी डांस करता है अब ये देखिए मैंने लॉकडाउन में कुछ कुछ प्रैक्टिस करना शुरू किया था अपना वो आर्ट का तो ये मैंने ऑयल पेंटिंग किया हुआ है तो मैं सोची कि आपसे शेयर करती हूँ मैंने क्या क्या बनाया तो ये कुछ फाउंटेन और ये वाला मैंने ऑयल पेंट से ये बनाया था कैनवस पे तो नहीं बनाया मैंने पेपर पे बनाया नॉर्मल पेपर पे फिर एक ये स्केचिंग किया था मैंने पेंसिल से सिंपल ये बल्ब में एक कोई लेडी बैठी हुई है ऐसे पेड़ पे फिर ये पहला मैंने मंडला आर्ट वाला किया तो ये डिज़ाइन मैंने अपने मन से किया था मैंने कहीं गूगल से या कहीं से देखा नहीं था वैसे तो मोस्टली मैं गूगल वगैरह पे देख लेती हूँ डिज़ाइन उसके बाद मैं उसको कॉपी करती हूँ फिर एक और मैंने मंडला का किया क्योंकि मुझे मंडला वाला काफ़ी अच्छा लग रहा था इंटरेस्टिंग था और मैंने कभी नहीं ट्राई किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था फिर एक ये डू ये डूडल आर्ट क्या क्या तो जेंटेंगल पैटर्न कहते हैं इसे तो ये वाला भी मैंने ट्राई किया तो ये भी अच्छा था फिर ये मैंने गणेश जी अपनी मदर के साथ हैं तो ये वाला भी मैंने स्केच बनाया ये गूगल से मैंने निकाला था फिर मैंने साइड में इसमें भी मंडला वाला आर्ट भर दिया तो मैं सब जगह ही आजकल मंडला वाला कर रही हूँ एक और ये देखिए जेंटेंगल प्लस मंडला दोनों मिक्स करके मैंने बनाया है तो ये वाला भी मैंने एक किया इसको मैंने कलर वगैरह भी कर दिया तो मैंने मुझे टिकटॉक पे एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मैं आजकल न्यू न्यू टिकटॉक पे भी आईडी बनाई हूं और उस पर भी कुछ कुछ वीडियोस डालने की कोशिश कर रही हूँ कुछ फन वीडियोस करने की कोशिश मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और टिकटॉक का सारा लिंक आपको मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो so, आप मुझे चेक कर सकते हैं और मेरे लेटेस्ट अपडेट उसमें देख सकते हैं सो so, मैं इंस्टाग्राम पे अपने सारे भी वीडियोस अपलोड होने के पहले उसके नोटिफिकेशन या उसके कुछ हिंट्स डाल देती हूँ ताकि आप लोग के लिए भी कुछ इंटरेस्ट बने तो मैं ऐसे डाल रही हूं और आप उसमें चेक कर सकते हैं सो तो आप जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और तो बहुत सारे ऐसे भी छोटे मोटी चीजें मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही हूँ जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं शेयर करती हूँ तो आप जरूर मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे